खबर जनपद चमोली से है, जहां पिंडर घाटी में ऐतिहासिक महामृत्युंजय शरावणी पर्यावरण पर्यटन एवं सांस्कृतिक मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। वही सांस्कृतिक मेला के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों ने वन सरपंच, संघ अध्यक्ष और मेला समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बुटोला के नेतृत्व में वन महकमे के विभिन्न प्रांगणों और प्रभागों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और सदैव की तरह रोपे गए पौधे के संरक्षण का संकल्प लेते हुए जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि 28 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के मनुष्यों द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को जिंदा रखने के लिए आज भी यहां लोग वृक्षारोपण कार्य के लिए एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। इसी के माध्यम से नई पीढ़ी को वन, वृक्ष और पर्यावरण आदि के महत्व से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अभी निरंतर जो ये महामृत्युंजय श्रावणी पर्यावरण एवं पर्यटन मेला होता है, ये इस बार 29वां बार हो रहा है। इसमें पूरा क्षेत्र का सहयोग और पूरा ग्राम सभा का सहयोग तन मन धन से रहता है। और जो हमारा फर्स्ट कार्यक्रम होता है उसमें हमारा वृक्षारोपण होता है, उसमें बद्रीनाथ हो गया और अलकनंदा दोनों विभागों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और इस हमने एक वाटिका भी बना रखी है यहाँ पे, हर वर्ष वहाँ पे पौधों का जो रोपण किया जाता है। आज वो पौधे आप देख सकते हैं बहुत बड़े हो गए और छाँव वहाँ पे अच्छी सी मिलती है। तो फिर दूसरा जो कल का जो कार्यक्रम है उसमें भी जो हमारे लोकल प्रोग्राम है और सांस्कृतिक कल्चरल है उस पर कल कार्यक्रम होगा और परसों हमारे मेले का समापन होगा। चाहूँगा आप पत्रकार महोदय का एवं सबसे पहले मैं अपने सरपंच संघ के ये जो अध्यक्ष हैं श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी, बोटोला जी, और ये हर साल निरंतर अपने प्रयासों से इस हरियाली पर्यावरण को मनाते हैं और काफ़ी सराहनीय भूमिका इनकी रहती है। जो आप कह रहे हैं कि वन विभाग की, आप देख ही रहे होंगे कि प्रकृति की मार इस तरह से पड़ी है कि हमारे जो पेड़ हैं, अभी सावन के महीने में भी आग लग रही थी, तो पेड़ों हमारे विभाग की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, जो हमारे आज मौसम की मार है इसलिए हमारे पेड़ कुछ क्षति हो सूखते हैं, बाकी विभाग कोई एक छोटी सी संकल्पना थी कि इस क्षेत्र में एक मेले का आयोजन किया जाए और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए ये मेला प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे मेला विस्तार लेता भी चला गया और इसके बाद इस क्षेत्र को लोग जानने लगे इस मेले की वजह से। श्रावणी मेले में इस क्षेत्र ने बहुत कुछ दिया है। श्रावणी मेले में इस मंच से हमने अच्छे अच्छे कलाकार निकाले हैं, अच्छे अच्छे गायक निकाले हैं, अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ से निकले हैं और कई नेताओं का आना जाना, राजनीतिज्ञों का आना जाना यहाँ लगा रहा, जिससे इस क्षेत्र में विकास के काम भी कई हुए हैं, चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, ये सारी मांगे जो हैं हम इस मेले के जरिए से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और इस क्षेत्र में विकास होता है।